लॉकडाउन का प्रभाव न सिर्फ हमारी इकोनॉमी पे बल्कि लाखों मजदूरों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। वो मजबूर हैं अपने गांव वापस लौटने क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं, उनके लिए उनका परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में चाइल्ड एनजीओ ने उन मजदूरों के बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। प्रीति महारा जो कि डायरेक्टर है पॉलिसी रिसर्च एंड एडवोकेसी चाइल्ड राइट्स की, उनका कहना है कि जब से पहला नेशनल लॉकडाउन लगा तभी से देश भर की सारी शैक्षणिक संस्थाएं बंद हो गई। ऐसे में वो माइग्रेंट फैमिलीज जो अपने गांव वापस लौट रहे हैं, जिनके पास दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है, उनके बच्चों की शिक्षाओं पर प्रभाव पड़ेगा, ये बहुत लाजमी सी बात है। इस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद उन बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी और रिटेनिंग कैपेसिटी जो है उस पर भी फर्क पड़ता है। तो ऐसे में ये स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन बच्चों पर खास ध्यान दे और इनके लिए स्पेशल काउंसलिंग प्रोवाइड करें। कमल गौर जो कि डिप्टी डायरेक्टर है एजुकेशन एट सेव द चिल्ड्रन, उनका कहना है कि COVID-19 सिर्फ एक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है बल्कि ये एक एजुकेशनल डिजास्टर भी है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग लगभग 20% बच्चे किसी इमरजेंसी के बाद स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और अभी के लॉकडाउन में पिछले 90 दिन वो बच्चे जो एक जगह से दूसरी जगह अपने परिवार के साथ मूव कर रहे हैं, मजबूर हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के, उनकी शिक्षा का पूरा पूरा नुकसान। प्रीति महारा ये भी सजेस्ट करती है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को स्थानीय प्रशासन से इन माइग्रेंट चिल्ड्रंस का डेटा कलेक्ट करना चाहिए और लॉकडाउन के बाद इनका एनरोलमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। हालांकि अभी वो जो कि किसी भी टाइप का फॉर्मल या नॉन फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं दे विल फेस अ लैग, दैट इज फॉर श्योर। इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑनलाइन क्लासेस और दूसरे इनिशिएटिव्स जैसे कि रेडियो, कम्युनिटी रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम्स के थ्रू स्पेशल एफर्ट्स लिए हैं ताकि बच्चों की शिक्षा में कोई अवरोध उत्पन्न हो। लेकिन वो बच्चे जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, जो मजबूर हैं अपने गांव वापस लौटने के लिए, उनको इन सुविधाओं का फायदा लाभ कैसे मिले, उन्हें कैसे ये सारी सुविधाएं एक्सेस हो, उनको उन बच्चों के लिए जो उनका पिछले 90 दिनों में जो भी उनकी पढ़ाई का नुकसान हुआ उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग या ब्रिज कोर्सेज का इंतजाम करना चाहिए शैक्षणिक संस्थानों को, ताकि वो उनका जितना भी नुकसान हुआ है वो उसकी रिकवरी कर सके और फिर उसके बाद उनकी उम्र के हिसाब से उनका अलग अलग ग्रेड्स में एडमिशन ले सके। वो फर्दर ये रिकमेंड करती हैं कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी बनता है कि जितने भी माइग्रेंट चिल्ड्रन हैं उनको शिक्षा दीक्षा उनकी ठीक से हो पाए, उनको शिक्षा मिल पाए। साथ में ही ये भी इतना इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चे हैं उनका अर्ली चाइल्डहुड में उनकी शिक्षा स्टार्ट हो जाए, तो जो भी बच्चे 6 साल से कम उम्र के हैं उनका आंगनवाड़ी सेंटर्स में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। मिस गौर का कहना है कि एजुकेशन फैसिलिटीज वो पहले से ही बहुत सारी सोशल इनइक्वालिटी या होमलेसनेस लैक या फिर उन बच्चों को जो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के लिए घर पे रहते हैं ताकि उनके माँ बाप बाहर जाकर दो वक्त की रोटी कमा सके, इस कारण से पहले ही बहुत सारी रुकावटें हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम उस पे, ये कोरोना के रूप में एक नई रुकावट। हालांकि जितने भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है वो ICT बेस्ड है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड, जिनका फायदा वो बच्चे जो माइग्रेशन में है जो अपने गांव वापस लौट रहे हैं उनको इसका फायदा नहीं मिल रहा। तो अभी गवर्नमेंट का एक मेजर कंसर्न ये भी होना चाहिए कि इन बच्चों की शिक्षा में कोई रुकावट ना आए, ये अपने गांव पहुंचने के बाद भी इनकी शिक्षा इनकी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके, ये हमारे देश के कल का सवाल, इस सवाल को नकारा।